कोलकाता में एक 5 मंजिला इमारत गिर गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 15 लोगों को बाहर निकाला गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी चल रहा है। कोलकाता के गार्डन रीच एरिया के हजारी मोहल्ला बागान इलाके में ये बिल्डिंग हाल ही में बनी थी। चश्मदीदों के मुताबिक पहले बिल्डिंग के स्लैब गिरने शुरू हुए और उसके बाद तेज आवाज के साथ पूरी बिल्डिंग भरभराकर जमींदोज हो गई। बिल्डिंग बिल्कुल नई बनी थी, इसमें कोई रहने नहीं आया था। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मलबे से 10 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है और साथ ही और लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू का जायजा लिया है। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से रेस्क्यू के लिए स्टेट डिजास्टर टीम को तैनात करने की मांग की है।